नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदु चंदेल। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने लगातार दूसरे दिन गैर कश्मीरियों पर हमले करते हुए दो बिहार के निवासियों को मार डाला है। तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। आतंकियों ने 16 अक्टूबर को भी एक बिहार और एक यूपी के निवासी को मार डाला था। बता दें, आतंकियों ने 17 अक्टूबर को दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले में वनपोआ में बिहार के मजदूरों पर घर में घुसकर अनाधुंध फायरिंग की। इनमें से दो की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि एक दूसरा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। मारे गए दो बिहार के लोगों की पहचान राजा ऋषिदेव और जोगिंद्र ऋषिदेव के तौर पर हुई है। वहीं घायल आदमी की पहचान चुनचुन ऋषिदेव के तौर पर हुई है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि दोनों मृतकों को 6-6 बार गोली मारी गई, जबकि कमरे में तीसरे व्यक्ति की पहचान चुनचुन ऋषिदेव के रूप में हुई है, जिसे अनंतनाग अस्पताल में इलाज के बाद स्थिर बताया गया है। किराए के घर के अन्य कमरों में प्रवासी श्रमिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। आतंकियों के गोलीबारी की खबर मिलते ही सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए। हमलावर आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान छेड़ा है। 16 अक्टूबर को भी आतंकियों ने बिहार के अरविंद कुमार और एक यूपी के सगीर अहमद की हत्या कर दी थी। आपको बता दें, ये दो दिनों में 4 गैर कश्मीरियों की हत्या के बाद कश्मीर में काम के लिए आने वाले मजदूरों में अब अपने घरों को लौटने की भगदड़ मच गई है। सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, पता नहीं आगे क्या होगा। खासकर टारगेट किलिंग से कश्मीर में भारी लोगों घबराए हुए हैं। आम लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है। कश्मीर घाटी में प्रवासी मजदूरों ने वापसी शुरू कर दी है। घाटी में इस महीने की शुरुआत से शुरू हुई टारगेट किलिंग की घटनाओं से प्रवासी मजदूर डरे हुए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए एक मजदूर ने कहा, प्रवासी मजदूरों को मारा जा रहा है, बच्चे हमारे साथ हैं, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। आपको बता दें, कश्मीर में आतंकियों ने अपनी रणनीति बदली है। वो अब टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। आतंकी सुरक्षा बलों से सामना नहीं कर सकते तो बेगुनाहों और निहत्थे लोगों को निशाना बना रहे हैं। कुलगाम में दो बिहारी मजदूरों की हत्या के साथ ही इस महीने अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है। आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर के वनपोआ में हुए आतंकवादी हमले में बिहार के रहने वाले राजा ऋषिदेव और योगेंद्र ऋषिदेव की हत्या और चुनचुन ऋषिदेव के घायल होने पर दुख जताते हुए वहां के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा से फोन पर बातचीत की और अपनी चिंता व्यक्त की है। नीतीश ने इस आतंकी हमले में मित्र राजा ऋषिदेव और योगेंद्र ऋषिदेव के निकटतम आश्रित को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने श्रम संस्था विभाग और समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से मृतकों के परिजनों को नियम अनुसार अन्य लाभ दिलाने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने इस आतंकवादी हमले में घायल चुनचुन ऋषिदेव के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।